समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हाजी जी, जब बसपा में थे आप तब तो खैर थोड़ा सॉफ्ट होके बोलते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी तो लग रहा है शायद खुल के बोलें। ये बताइए कि जो आजकल चल रहा है, अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर गाहे बगाहे तंज कस रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, कभी वो लिखते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ चल रहा है जिसकी वजह से लखनऊ वालों को निराश कर दिया गया, बजट नहीं मिला, कभी वो डबल इंजन की सरकार का नाम लेके तब तंज कस देते हैं, कभी कहते हैं कि जो वाईफाई लगा हुआ है भाजपा का उसका पासवर्ड दिल्ली में है। संगठन और सरकार को लेकर लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर एक के बाद एक तंज कस रहे हैं। देखिए, जो हमारे समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, वो अच्छे जहन के मालिक हैं, दानिश्वर हैं, होशियार हैं, और जो पूरे हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारतवर्ष को जो सियासी सिनेरियो है उस पर उनकी एक नज़र रहती है। उन्हीं के मद्देनज़र हमेशा वो अपनी बात कहने का प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में जो आजकल वो भारतीय जनता पार्टी पर, चाहे वो दिल्ली का हाई कमांड हो चाहे उत्तर प्रदेश का हाई कमांड हो, जो इनके आपस में तनाज़ा चल रहा है उसी पर उन्होंने ये कमेंट की है, और वो कमेंट 100% सही है कि आज दिल्ली और लखनऊ के बीच में बहुत दूरी बनी हुई है, दोनों अपनी अपनी जगह परेशान हैं, और कुल मिलाकर इस हद तक परेशान है कि अब वो दिल्ली वाले दिल्ली की खबर नहीं ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश की खबर नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं, और इनकी लड़ाई में जनता पिस रही है। हद तो तब हो गई कि जब इस बजट में उत्तर प्रदेश के बराबर वाले प्रदेश बिहार में बजट का पूरा खजाना खोल दिया गया और उत्तर प्रदेश को बजट से महरूम कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि सेंटर की नाराज़गी इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो हुक्मरान हैं उनसे ज़्यादा है, और जो उत्तर प्रदेश के दूसरे लीडर्स हैं उनको दिल्ली वाले अपना मोहरा बनाए हुए हैं। अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर हार हुई है 2024 के इलेक्शन में, उसका हार का ठीकरा वो एक दूसरे पे फोड़ना चाहते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे योगी जी ने कोशिशें नहीं की और जानबूझकर इलेक्शन को हरवाने का काम किया, और ख़ास तौर से बनारस के आसपास की सीटें हरवा दी गई और गोरखपुर के आसपास की सीटें जितवाने का काम किया। इसी तरीके से हमारे योगी जी मोदी जी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मोदी जी में अहंकार आ गया था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो 400 सीटें लाएंगे, और उसी का ये रिज़ल्ट है। तो आजकल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और जाहिर सी बात है इसके रिज़ल्ट ख़राब ही आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे। और जो जनता है पूरे भारतवर्ष की और उत्तर प्रदेश की, समझ गई है कि ये लोग जनता की भलाई के लिए सरकारें नहीं चला रहे हैं, बल्कि अपनी भलाई के लिए और जो इनके अपने चहीते हैं उनकी भलाई के लिए सरकारें चलाने का काम कर रहे हैं। इसी चीज़ को हमारे अखिलेश जी फोकस करते हैं और वो लोगों के सामने इस बात को रखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है भाजपा की इस मजबूरी का आप लोग फ़ायदा उठाने में तो नहीं लगे हुए? जाहिर बात है भैया, हम फ़ायदा उठाएं या नहीं उठाएं ये तो जनता खुद फ़ायदा पहुंचाएगी। जनता समझने लगी है कि हमें किसका साथ देना चाहिए। अब आम जनता का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है। वो चाहते हैं कि अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली वाले और लखनऊ वाले, इनको हटाया जाए और जो पब्लिक की चिंता करें उनको सरकार में लाया जाए।
हाजी जी, एक सवाल और करूंगा, अब तो खैर आप बसपा में नहीं है, इस बार बसपा भी कहीं ना कहीं उपचुनाव लड़ना चाह रही है, क्या समझते हैं अभी इसके पीछे, पहले क्यों नहीं कर पाए लोग? देखिए, इसमें मेरा अपना मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की ये पॉलिसी समझ से परे है, अब वो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का काम करना चाहती है, क्योंकि जो बहुजन समाज का बेस वोट था, अब उसका झुकाव इंडिया गठबंधन और समाजवादी की तरफ होने लगा। भाजपा को हराने के लिए उनकी अपनी कोशिशें हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि भाजपा जब जब सत्ता में आएगी तो संविधान से छेड़छाड़ करेगी, आरक्षण को हटाने का काम करेगी, और इस वजह से जो बहुजन समाज के कैडर के लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी का वोट है, वह भाजपा को हराने के लिए समाजवादी के साथ जाने की बात कर रहा है। इसलिए बहुजन समाज की कोशिश है कि वो समाजवादी की तरफ न जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने पास रखने की कोशिश करे, ताकि भाजपा को फ़ायदा पहुँचे। ये थे हाजी फजलुर रहमान जी, पूर्व सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जिस तरह से अखिलेश यादव आजकल जो तंज कस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, वो बारीकी से हाजी फजलुर रहमान जी ने समझाई भी है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपूर।